हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। या दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे काल के बारे में। काल, काल के भेद, टाइप्स ऑफ कॉल, यानी कि काल कितने प्रकार के होते हैं और काल क्या होता है और इसे कैसे पहचानेंगे। हर बार की तरह इस बार में हम आपको इसमें भी ट्रिक का प्रयोग करेंगे कि कैसे आप आसानी से पहचानेंगे। दोस्तों, आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप सिर्फ एक उदाहरण से ही आप पूरे उदाहरण को, कहीं कोई भी शब्द देगा, आप उसे बना सकते हैं। जय दोस्तों, सबसे पहले काल शब्द होता क्या है? ये जो काल है यह होता क्या है? बात इसकी आती है, काल शब्द का अर्थ होता है समय। काल यानी कि समय, जो कार्य समय अंतराल में पूरा होता है वह काल होता है। यानी कि कोई भी कार्य जिस समय में पूरा होता है वही समय उसका काल होता है। काल के मात्र तीन भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं हम आपको बता रहे हैं। पहला भेद होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा होता है भूतकाल, भूतकाल। और तीसरा होता है भविष्यकाल, तीसरा होता है भविष्यकाल। यही तीन काल होते हैं, भूत, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये तीनों काल से ही पूरी अपनी काल यानी समय, जो कि समय होता है, इसका मतलब है कि कोई भी कार्य जिस काल में हो वह उसी काल में विभक्त हो जाता है, उसी काल में पहुंच जाता है। जैसे अभी क्या है, वर्तमान काल की बात करें तो हम बात करते हैं, वर्तमान काल वह काल होता है जो कि इस समय चल रहा है। जैसे कि मैं आपको हिंदी का बता रहा हूं काल चैप्टर, तो यह यानी कि इसी समय चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, जो कि वर्तमान काल में यानी जो कि प्रेजेंट समय में तुरंत चलता हो वह हमेशा वर्तमान काल होता है। और रही बात भूतकाल, भूतकाल क्या होता है कि जो भूतकाल वह होता है जो कि समय बीत चुका हो, यानी कि वह कार्य पूरा हो गया हो, वर्तमान में नहीं चल रहा हो, वह समय बीत चुका हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि बारिश हुई थी, बारिश हुई थी, मैं इलाहाबाद गया था। ये यानी कि मैं गया था, मैं जा चुका था, आज नहीं, जा नहीं रहा हूं, मैं जा चुका था, यानी वह काम पूरा हो चुका था, इसलिए हमारा ये भूतकाल हुआ। अब रही बात भविष्यकाल, भविष्यकाल में क्या है कि जो कार्य आने वाली है, जो चीज आने वाली है, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। अब इसे कैसे है, जैसे कि अभी 5G मोबाइल लॉन्च होने वाली है, 5G मोबाइल आने वाली है, तो यह जो है भविष्य काल में आएगी। जैसे होता है कि बड़े बुजुर्ग लोग आसमान को देखकर क्या बोलते हैं, बारिश आने वाली है, बारिश आई नहीं है, आने वाली है, तो वह भविष्य काल हो गया। दोस्तों, यहाँ यही तीनों काल है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। एक बात बताएं, ऐसे ही मैंने एक क्लास में पूछा, जैसे ही हम पहुंचे और पूछा कि काल, आज हम पढ़ाएंगे आपको काल, तो हमने पूछा किसी को काल के बारे में मालूम है कि काल कितने प्रकार के होते हैं? तो एक बच्चे ने कहा जी सर मालूम है। हमने कहा बताइए, तो उसने तुरंत जवाब दिया, सर मिस कॉल, रिसीव कॉल और डायल कॉल। हम समझ गए कि ये जो है पूरी रात व्हाट्सएप और फेसबुक का कीड़ा है। दोस्तों, इसीलिए दोस्तों वह
आप मिस कॉल रिसीव कॉल और डायल कॉल के चक्कर में ना पड़े, आपको जो है एग्जाम को क्रैक करना है तो आप हमेशा जानिए वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो हम बात करते हैं अब एक एक वर्तमान काल। अभी मैंने बताया वर्तमान काल वो होता है जो कि प्रेजेंट समय में, यानी जो कार्य चल रहा हो, जो कार्य वर्तमान समय में पूरा किए जाए, जो कार्य वर्तमान समय में पूरा, जो पूरा किए जाते हैं, पूरा किए जाते हैं उसे हम पूरा किए जाते हैं ऐसे काल को, पूरा किए जाते हैं ऐसे काल को हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। जी दोस्तों, अभी मैंने बताया वर्तमान काल वह काल होता है जो कार्य वर्तमान समय में पूरा किए जाते हो, यानी कि वह कार्य चल रहा हो तो ऐसे कार्य को हम जो है वर्तमान काल कहते हैं। जैसे छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और ऐसे ही जो कार्य चल रहे हैं वर्तमान में उसे हम जो है वर्तमान काल कहते हैं। अब बात आती है वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं। या दोस्तों, वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं ये आप जानिए दोस्तों। वर्तमान काल के 5, यानी वर्तमान काल को भी, अब पहले तो काल को 3 भागों में बांटा गया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अब वर्तमान काल को भी 5 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा हुआ वर्तमान काल 5 भागों में बटा है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के आप बताएंगे कि कुल और कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान काल, थोड़ा बड़ा लिखिए, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल। चौथा होता है संभावित वर्तमान काल। पांचवा होता है संदिग्ध वर्तमान काल। या दोस्तों, ये आपका सिर्फ 5 भेद होते हैं। अब बात करते हैं कि सामान्य वर्तमान काल को आखिर कैसे पहचानेंगे, कि यह सामान्य वर्तमान काल है या पूर्ण वर्तमान काल है या अपूर्ण वर्तमान है, संभावित है या संदिग्ध है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे सामान्य वर्तमान काल को कैसे पहचानेंगे। सामान्य वर्तमान काल जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य सामान्य ढंग से हो जाए,
सामान्य ढंग से होने वाला संबोधित मिले उसे हम सामान्य वर्तमान का कहते हैं दोस्तों। यानी कि ऐसा कोई कार्य जो कि वर्तमान में तो चल रहा है, जैसे वर्तमान में चल रहा हो लेकिन सामान्य रूप से आसानी से कोई भी समझ सके कि हाँ ये काम हो रहा है, जैसे कि अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, जैसे अनिल सर हिंदी पढ़ाते हैं, ये चल रहा है। और जैसे आप उदाहरण लीजिए, मेरे पिताजी प्रतिदिन पेपर पढ़ते हैं, यानी कि ये जो है सामान्य रूप से चल रहा है, तो यह जो है सामान्य वर्तमान काल हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की क्या होता है, जहां पे वर्तमान काल का कोई भी कार्य अभी अभी हुआ है, जहां पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, हम आपको एक एक करके बताएं तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि सामान्य वर्तमान काल तो हो गया कि जहां पे कोई भी कार्य आराम से हो रहा हो। अब जो होते हैं पूर्ण वर्तमान काल, यहां पे कैसे इसे पहचानेंगे, जहां पे वर्तमान काल का, जहां पर वर्तमान काल का कोई भी कार्य अभी अभी हुआ हो, अभी अभी हुआ हो, हुआ हो, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब जैसे क्या होगा, इसका उदाहरण आप देखिए कि उदाहरण क्या होगा। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि जैसे मैंने अभी अभी चाय पिया है, यह उदाहरण हुआ आपका पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का क्या पहचान होता है, जहां पे वर्तमान काल का कोई भी कार्य अभी अभी हुआ हो, जस्ट अभी अभी, यानी तुरंत अगर कोई कार्य हुआ हो, यानी वो वर्तमान में ही हुआ, तो यानी कि जहां पे अभी अभी का प्रयोग हो जाए वह आपका जो है पूर्ण वर्तमान काल में आएगा, यानी कि वह काल अभी अभी पूरा हुआ है, पूर्ण हुआ है, तो इसलिए वह पूर्ण वर्तमान काल में आएगा। है तो वर्तमान काल लेकिन वह अभी अभी पूर्ण हो चुका है, इसलिए वह पूर्ण वर्तमान काल में आ जाएगा। अब जैसे उसका उदाहरण है, मैंने अभी अभी चाय पिया है, मैंने अभी अभी चाय पिया है, तो यह मतलब क्या है कि यह मैंने चाय तो पिया लेकिन अभी अभी पिया, जस्ट वर्तमान में ही, तो इसलिए पिया, जैसे ही पिया वैसे ही कार्य वह पूर्ण हुआ, तो यह पूर्ण काल, पूर्ण वर्तमान काल में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरा उदाहरण देख लीजिए कि नौकर दूध रख कर अभी अभी गया है, कि नौकर दूध रखकर अभी 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 गया है, नौकर दूध रखकर अभी अभी गया है, यानी इसमें भी देखिए नौकर दूध रखकर अभी अभी गया है, इसमें भी देखिए कोई आसान चीज है, इसमें भी कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ, कौन सा कार्य पूर्ण हुआ, दूध रखकर जाने का, दूध रखकर जाने का कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, तो इसलिए यह जो है पूर्ण वर्तमान काल होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे अपूर्ण वर्तमान काल का आप समझेंगे, आपको पूर्ण वर्तमान काल समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए अपूर्ण वर्तमान काल क्या है,
अपूर्ण वर्तमान काल क्या है? जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य, जहां पे वर्तमान काल का कोई भी कार्य नियंत्रण चलने का संकेत दिखाए। अभी मैंने बताया कि पूर्ण वर्तमान काल क्या है, जो कि कार्य अभी अभी पूर्ण हो चुका हो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। लेकिन अपूर्ण में कोई अलग है, इसमें कार्य पूरा नहीं हुआ है, वह कार्य चल रहा है। अगर वह कार्य चल रहा है तो वह जो है अपूर्ण, यानी कि वह अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। जैसे कोई छात्र जैसे कि बात करें कि पीएम जी का उदाहरण के तौर, इसमें क्या है लिख दें, कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है, कार्य चल रहा होता है। एग्जामिनर एग्जाम्पल, जैसे पीएम जी का भाषण, पीएम जी का भाषण रेडियो पर चल रहा है। जब दोस्तों पीएम जी का भाषण रेडियो पर चल रहा है, यानी कि यह भाषण अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर होता अभी अभी भाषण आया है तो वह पूर्ण में हो जाता, अपूर्ण में यानी कि यह जो है अभी चल रहा है। तो इसलिए जैसे पीएम जी का भाषण रेडियो पर चल रहा है, यानी यह अभी चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अभी आगे तक चलेगा, कब तक चलेगा ये तो उनकी मन की बात है। इसलिए पीएम जी का भाषण रेडियो पे चल रहा है, यहाँ पे जैसे ही चल का प्रयोग हुआ यानी चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है, इसलिए यह अपूर्ण है, यह कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह अपूर्ण काल में आ जाएगा। जैसे और उदाहरण देखे कि कोई छात्र गाड़ी पर चिल्ला रहा है, जैसे कोई छात्र गाड़ी पर चिल्ला रहा है या कोई छात्र दूर से चिल्ला रहा है, तो ऐसे ही जो है ये यानी कि अपूर्ण हो गया, यह पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह अपूर्ण में आएगा। और बात करते हैं अब हम संभाव्य वर्तमान काल। क्या होता है संभाव्य वर्तमान काल? ये जो है आपका संभावित वर्तमान काल, ये आपका तीसरा है, सॉरी चौथा है, संभावित वर्तमान काल। इस काल में, संभावित वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। किसी काल के संभावित वर्तमान काल क्या होता है? जहां पर किसी वर्तमान काल की होने की संभावना रहती है।
संभावना होती है, यानी कि कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है, वह कार्य सिर्फ उसकी संभावना है होने की। इसका उदाहरण अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या होगा, पिताजी गांव पहुंच गए होंगे। क्या होगा इसका उदाहरण, पिताजी गांव पहुंच गए होंगे, पिताजी गांव पहुंच गए होंगे, पिताजी गांव पहुंच गए होंगे। यानी कि इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि यह संभावना है, उसको भी पता नहीं है कि इसके पिताजी गांव पहुंचे हैं या नहीं। एक संभावना बस बता रहा है कि शायद पहुंच गए होंगे। और अगर इसकी दूसरी बात करें, दूसरा एग्जाम्पल की, तो जैसे शिवगंगा बनारस पहुंचती होगी, शिवगंगा बनारस पहुंचती होगी। जय दोस्तों, शिवगंगा बनारस पहुंचती होगी, ये भी पहुंची है या नहीं पहुंची है, पहुंची है या नहीं पहुंची है, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वो पहुंच चुकी है, लेकिन हमें एक अनुमान लगाते हैं कि पहुंचती होगी। इसलिए यह संभावित वर्तमान काल में आएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य के संदिग्धता से अथवा संदेह है, वहां पे हम संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग होता है। संदिग्ध यानी शंका हो, शंका बना हो कि जैसे ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पे हम बताएं, लगता है दरवाजे पर नौकर खड़ा है। एग्जाम्पल इसकी बात कर लेते हैं, इसमें संभावना होती है। इसमें एग्जाम्पल में आप देखिए कि लगता है कि नौकर दरवाजे पर खड़ा है। लगता है कि नौकर दरवाजे पर खड़ा है, ये हुआ इसका, यानी कि संभावना है, मैं संदिग्ध है कि दरवाजे पर है कोई। और दूसरा उदाहरण ये भी कर सकते हैं कि शायद पिताजी बुला रहे हैं, शायद पिताजी बुला रहे हैं। या दोस्तों, इसमें भी संभावना है, बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं यह हमको भी नहीं पता है, लेकिन हमें लगा कि शायद पिताजी बुला रहे हैं, यानी संदिग्ध है, शंका है, संभावना है हमें कि बुलाए हैं या नहीं बुलाए, हमें लगा कि बुलाए हैं, तो यह जो है हमारा यह संदिग्ध वर्तमान काल हुआ। जी दोस्तों, इसी के साथ हम आपको अगले वीडियो में लेकर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि भूत वर्तमान काल तो हो गया, अब इसके बारे में हम भूतकाल के बारे में या भविष्य काल के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जो है मेरे वीडियो के साथ बने रहें और लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में जो है अपने अधिक से अधिक जो है वीडियो को पहुंचाए, जिससे कि सबको जो है ये पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा कर सब्सक्राइब करें और छोटा सा घंटी को दबाना ना भूलें।
जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले।